जब विश्व में अस्थिरता बढ़ रही है और रूस चीन अमेरिका के बीच तनाव और गहरा रहा है, तब अमेरिका ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पेश करके दुनिया की मुश्किलें और बढ़ा दी। इस बीच हम आपको दुनिया की सबसे ज्यादा रेंज वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताएंगे। इन मिसाइलों के मामले में सबसे ज्यादा ताकतवर देश अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस ही हैं। बड़ी बात ये कि इन 10 बेहतरीन मिसाइलों की सूची में भारत का नाम कहीं नहीं है। सबसे पहले सबसे कम रेंज वाली मिसाइल से लेकर सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल तक की बात करें। पहले बात चीन के JL-2 की। चीन की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की जाती है। इसका जमीनी वर्जन DF-31 है। चीन इस मिसाइल से किसी भी देश या इलाके पर परमाणु हमला कर सकता है। इस मिसाइल की रेंज 7,400 से 8,000 किलोमीटर है, यानी ये मिसाइल पूरे यूरोप, भारत, रूस और अमेरिका के कुछ हिस्सों तक आराम से पहुंच सकती है। अब बात फ्रांस की M51। फ्रांस की बैलिस्टिक मिसाइल भी पनडुब्बी से दागी जाती है। ये मिसाइल पूरे पेलोड के साथ 8,000 किलोमीटर और कम पेलोड के साथ 10,000 किलोमीटर की दूरी तक जाती है। इसमें 6 से 10 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, यानी एक ही मिसाइल से 6 से 10 स्थानों पर घातक हमला। बात अब रूस के R-29 RMU-2.1 लैनर की। रूस की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से छोड़ी जाती है। ये सिनेवा मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे रूस ने अपने Delta-4 क्लास सबमरीन में तैनात किया। पूरे लोड के साथ इसकी रेंज 8,300 किलोमीटर और कम लोड के साथ 12,000 किलोमीटर है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि इसमें 12 अलग अलग तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, यानी 12 जगहों पर अलग अलग तरह का खतरनाक हमला। इसके बाद बात रूस के बुलावा की। रूस की बुलावा मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। इसे रूस की नई बोरई क्लास सबमरीन में तैनात किया गया है। इसकी रेंज 9,500 किलोमीटर है। इस पर 6 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। अगर इस पर 10 वॉरहेड लगाए जाते हैं तो रेंज घट जाएगी और इसकी रेंज घटकर 4,000 किलोमीटर हो जाती है। ये कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को भी धोखा दे सकती है। बात रूस के R-36M2 वोयवोडा की। सोवियत संघ के समय पर बनी R-36 मिसाइल को स्कार्फ के नाम से भी जानते हैं। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है। ये रूस के सातन मिसाइलों की पूर्वज है। ये बेहद तेज गति से उड़ने वाली मिसाइल है, साथ ही इसका वजन भी बहुत ज्यादा है। इसे जमीन में बने साइलों से लॉन्च किया जाता है। ये अपने साथ 10 वॉरहेड ले जा सकती है, यानी 10 जगह पर एक साथ हमला। इसके बाद बात DF-31AG, चीन की नई ICBM मिसाइल। इसे कई सालों तक चीन छिपाते रहा, लेकिन बाद में 2017 में जनता को इसके बारे में पता चल गया। इसे दागने के लिए जमीन में बने साइलों का उपयोग होता है। इसकी रेंज 11,200 किलोमीटर है, मतलब अमेरिका, यूरोप और रूस के हर हिस्से को ये टारगेट कर सकती है। चीन की DF-41 इसके बाद है। माना जाता है कि चीन की मिसाइल इस समय दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। इसे 8 एक्सल लॉन्चर व्हीकल से दागा जाता है। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 10 वॉरहेड ले जा सकती है। ये अमेरिका के किसी भी हिस्से पर हमला करने के लिए काबिल है। बात रूस के RS-24 यार्स की। ये रूस की नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे मोबाइल लॉन्चर और साइलों से लॉन्च किया जाता है। रूस ने 63 मोबाइल और 10 साइलो बेस्ड लॉन्चिंग स्टेशन बनाए हैं। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। अपने साथ 6 वॉरहेड ले जा सकता है, यानी एक साथ 6 स्थानों पर खाता हमला। बात अब USA के Trident-2 की करेंगे। अमेरिका की Trident-2 या Trident-D5 एक सबमरीन लॉन्च्ड ICBM है। अमेरिका ने इसे ओहायो क्लास सबमरीन में तैनात किया है। इसकी रेंज फुल लोड के साथ 7,800 और कम लोड के साथ 12,000 किलोमीटर है। बाकी बैलिस्टिक मिसाइल से रेंज में कम जरूर हो सकती है, लेकिन इसकी सटीकता, ज्यादा पेलोड और गति इसे बेहद घातक बनाती है। अब बात अमेरिका के LGM-30G मिनटमैन 3 की। अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल को साइलों से लॉन्च किया जाता है। अमेरिका के पास ऐसी 450 मिसाइलें हैं। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है। अमेरिका ने इस मिसाइल के साइलो पूरे देश में चारों तरफ बना रखे हैं। ये अधिकतम 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। मिसाइल की स्पीड ही इसे सबसे खतरनाक बनाती है। ये Mach-23 यानी 28,200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। अभी हाल ही में अमेरिका ने मिनटमैन 3 के नए वर्जन को भी लॉन्च किया, जिसने रूस और चीन को हैरानी में डाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।